सामान जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पूरा है, मेरी दस्तार साफ है, मेरी वर्दी साफ है, क्या मेरे नाखून कटे हुए हैं, क्या मैंने आज मसवाक भी किया कि नहीं की, और जब असेंबली हो तो असेंबली में बिल्कुल मुतहर्रिक होके खड़े हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई बंदा सुस्ती के साथ खड़ा है, कोई एक टांग पे खड़ा है। असेंबली जब होती है हर बंदे को एक्टिव रहना चाहिए, और जब दुआ पढ़ते हैं तो सब की आवाज आनी चाहिए दुआ में। तो आगे से जब आना है, आते ही पहले असेंबली जिस तरह पहले करते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि जो भी बच्चा तिलावत करता है वो पहले उसकी तैयारी करे, जो आकर दुआ इन बच्चों को भी पढ़ाता है, साथ पढ़ता भी है, वो तैयारी करे पहले, जो नाज शरीफ पेश करता है वो तैयारी करे, जो दुरूद ओ सलाम पढ़ता है वो तैयारी करे। और जब बंदा तैयारी करके मैदान अमल में आता है, जब बंदा तैयारी करके किसी स्टेज पे जाता है, तो फिर शर्मिंदगी का बायस नहीं हासिल करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जतें अता फरमाता है, उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो आगे से इन बातों पे अमल होगा, सबकी आवाज़ नहीं आगी, इन बातों पे अमल करेंगे तो आपने घर से सबकी सबक, घर से सारी चीज़ें तैयार करके फिर मदरसे में आना है, और मदरसे में आकर भी क्या करना है, मेहनत करनी है, क्या करना है, मेहनत करनी, और इंशाल्लाह अल्लाह हू अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह।